हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं आज आपको नेचुरल लुक में जो कर्ल्स होते हैं वो करना बताऊंगी। जैसा भी आपने देखा हुआ है कि सेलिब्रिटीज वगैरह जिस टाइप के कर्ल्स लेते हैं वो फुल वॉल्यूम कर्ल्स होते हैं, वो कर्ल्स आप कैसे कर सकते हो नेचुरली, अपने आप भी कर सकते हो और सैलून में भी करवा सकते हो। तो उसका ट्यूटोरियल मैं कम्प्लीट अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरी ये है मॉडल के हेयर्स, आप देखेंगे लेंथ काफ़ी अच्छी नहीं है, नॉर्मल लेंथ है, तो इसमें अगर फुल वॉल्यूम देंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके इनके हेयर्स पे आज मैं काम करूँगी, ये है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, जैसे हमें हमेशा बताया हुआ कि हेयर्स का काम करने से पहले हमें हेयर्स की सेक्शनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो मैं इनके ओनली थ्री सेक्शन पर इस बार काम करेंगे। जो फ्रंट एरिया है उसको सेपरेट कर लेते हैं, देखिए, क्योंकि फ्रंट एरिया पे फ्रंट से काम करेंगे। जो बैक एरिया है वहाँ पे मैं बैक से काम करूँगी। तो सबसे पहले मैं इनकी सेक्शनिंग कर लूँगी। ये देखिए, इनकी सेक्शनिंग हो गई है। अब जो ये बैक साइड है इस पर मैं आपको नेचुरल लुक में जो फुल वॉल्यूम कर्ल्स हैं वो बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें नीचे का एक हेयर्स ले लेने हैं। छोटा सा पतला सेक्शन मैंने ले लिया है जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, और ये जो ऊपर वाला वॉल्यूम है इसको मैं सेपरेट कर दूंगी। ये है, मुझे रोकना, ये मैंने सेक्शन ले लिया है। और सबसे पहले मैंने ये नोवा, ये बेरीना गोल्ड हेयर स्प्रे लिया है, प्रोफेशनल ये हेयर स्प्रे है। तो सबसे पहले अगर आपको कर्ल्स एक डिफाइंड फॉर्म में देना है तो सबसे पहले हेयर स्प्रे आप उस पर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने इनके सेक्शन पे एक पतला सा ये लेयर दे दिया है हेयर स्प्रे की। और उसके बाद अब आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि मैंने नीचे से पतला सेक्शन लिया है, मोटे मोटे बाल नहीं लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने पतला सेक्शन ले लिया है। और ये मेरा हेयर, ये हमारा कर्लिंग रॉड है, इससे हम इन पे कर्ल करेंगे। तो जैसे आप कर्ल करते हो, जो इसका टेम्परेचर है वो मैंने 200 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है, ठीक है। ये अभी गर्म हो चुका है तो मैं इस पर कर्ल्स करना बताऊंगी आपको किस तरह से आपको कर्ल करना है। जो कर्लिंग रॉड है इस तरह से मूव करना है। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा लूज करते जाना है, छोड़ते जाना है और फिर मूव करते जाना है ताकि हीट एक जगह नहीं लगेगा। और ये जो छोड़ना है इस तरह का मूवमेंट करना है। और जब आपके हेयर्स हीट अप हो जाए तो धीरे से इनको ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए, एक अच्छा सा कर्ल्स आ गया है। अब इसको हल्का सा आपको छोड़ देना है। ये देखिए, दो सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह के आपको ये सेक्शनिंग करते जाना है और पूरे हेयर्स पे कर्ल्स देना है। जो ये वाले कर्ल्स हैं ये पूरा फुल वॉल्यूम आएगा। मैं पहले उस पर काम करूंगी फिर लेफ्ट हैंड साइड पे काम करूंगी। ये देखिए, मैंने एक पतला सेक्शन राइट हैंड साइड पे लिया। जैसा मैंने आपको प्रोसेस बताया, सबसे पहले हेयर स्प्रे देना है। मैंने हेयर स्प्रे दे दिया है और अब इस सेक्शन को कर्ल्स करना है। कर्ल्स करने के लिए सबसे पहले आपको कर्लिंग रॉड को ऐसे रखना है हेयर्स पे और इसको ऐसे मूव करना है।
देखिए इस तरह से ये कर्ल आएगा, एकदम लूज कर्ल होगा, और इसको ऐसे करके आपको धीरे से ओपन कर देना है और हेयर्स को ऐसे मूवमेंट में छोड़ देना है। ये देखिए एकदम डिफाइंड फॉर्म में सारे कर्ल्स आ जाएंगे। आज तो मुझे अपनी ध्यान हो जाए। ये देखिए एक मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कर लिया है। अगर आपको हेयर्स पे वॉल्यूम चाहिए होता है तो हेयर्स को ऊपर मूव कीजिए, अगर अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक हेयर्स है तो आप हेयर्स को नीचे मूव करेंगे। इनके हेयर्स में इतना वॉल्यूम नहीं है तो मैं ऊपर के साइड मूव करूंगी। ये देखिए इस तरह से कर्ल्स दूंगी। हेयर्स के काम के लिए फिनिशिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए ये कर्ल हो गया है। ये अब इसको मैं हल्का सा ओपन कर दूंगी, एक बार कॉम मारो और इनको ऐसे छोड़ दो। इस तरह से आपको ये सारे हेयर्स इनके कंप्लीट कर देने हैं, छोटे छोटे सेक्शन लेते जाने हैं और कर्ल्स करते जाने हैं। देखो जरा चलो मैं एरिया पे काम कर रहे हैं। ओके कर दिए, 100 रुपीज पेटीएम कर दिए। ओके जी अरे कोई नहीं मैम। अब इनके फ्रंट एरिया पे मैं कर्ल कर रही हूँ। तो ये देखिए जैसे मैंने बैक एरिया में कर्ल किया है सेम वही टेक्निक से हमें दोनों साइड में कर्ल करना है। फ्रंट एरिया कंप्लीट होने के बाद जो क्राउन एरिया के हेयर्स हैं मैं वहाँ पे कर्ल करके इनका फाइनल लुक कंप्लीट करूँगी। तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं मैं ये एक छोटे छोटे सेक्शन लेते जाना है और फ्रंट एरिया का कर्ल कंप्लीट कर देना है इस तरीके से। और सेम ऐसे ही हमें जो क्राउन एरिया का हेयर्स हैं वहाँ पे कर्ल्स करने हैं। सबसे पहले ये देख लेना है कि हेयर फॉल किस साइड है, उस साइड हमें कर्ल देने हैं। तो जैसा कि आप इनका ये फाइनल लुक अभी देखेंगे, पूरे हेयर्स कर्ल्स करने के बाद एक नेचुरल कर्ल्स आता है। ज़्यादातर
कॉलेज गोइंग गर्ल्स या कभी कभी किया करो यार। जो टीनेजर्स हैं इस टाइप के कर्ल्स लाइक करते हैं, पसंद करते हैं वेयर करना, तो उनके लिए खासकर बहुत अच्छे कर्ल्स हैं, नेचुरल वे में कर्ल्स रहते हैं और पार्टीज में अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। गाइस, अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हेयर फॉल हो रहा है, मीन्स अगर आपका हेयर फॉल डेली रूटीन से आपको लग रहा है कि 100 हेयर से ऊपर हो रहा है, अगर आपका हेयर फॉल मीन्स अगर आपको एक दिन में 100 बाल से ऊपर आपको ऐसे लगता है कि मेरी हेयर फॉल हो रहा है, इसका मतलब आपकी कंडीशन सीरियस है। इसके लिए आप हेयर फॉल ट्रीटमेंट ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। आप इसको घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप सैलून पे भी ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए लेके आई, वो है बायोलेज का स्कैल्प सिंक्राइज। ये आप मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और ये स्कैल्प पे अप्लाई करने का एक सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको सैलून पे भी ले सकते हैं और ये पूरा पैकेट परचेज करके आप घर में भी अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि यह है एमिनेक्सिल हेयर ट्रीटमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है एमिनेक्सिल हेयर ट्रीटमेंट, एक टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म है जो हेयर की जो प्रॉब्लम्स हैं हेयर रूट्स पे अप्लाई किया जाता है और उसको ये दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सलून में अक्सर हम हेयर स्पा के साथ भी इसको इंक्लूड कर देते हैं, जिससे आपके हेयर फॉल ट्रीटमेंट एक तरीके से हो जाता है और हेयर फॉल कम होता है। तो बात करें इसकी पैकिंग की, तो पैकिंग कुछ इस तरीके की है जैसा आप देख रहे हैं। ये है बायोलॉज स्कैल्प सिंक्राइज। और इसकी पैकिंग की बात करें और प्राइस, तो ये है 925 का है इसके MRP। अराउंड 10% मुझे इस पर डिस्काउंट मिला था। अगर आपको ये परचेज करनी होगी तो मैं इसकी जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्टली भी परचेज कर सकते हैं। आप इसको ओपन करके देखते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे वायल्स होती हैं। एक पैकेट में अराउंड 3-5-10 वायल्स हैं। ये देखिए इस तरीके से 10 वायल्स हैं और इनको अप्लाई करने के लिए इसमें एप्लीकेटर होता है, दो एप्लीकेटर होता है। एक वायल इस तरीके के, आप देखिए ये है एक वायल और ये इसका एप्लीकेटर। ये इस पर अप्लाई करके और आपको अपने स्कैल्प पे इस एप्लीकेटर से करके आपको स्कैल्प पे अप्लाई करना है, ओवरऑल पूरे पूरे रूट्स पे अप्लाई करना है। हर नाइट पे अराउंड 3-4 वीक्स आपको कंटिन्यूअस इसको लगाना है, नाइट में लगाना है और अच्छे से मसाज देना है और सो जाना है। नेक्स्ट डे आप इसको शैम्पू कर सकते हैं, नहीं तो अपने रूटीन के हिसाब से जैसे 2-3 डेज में आप शैम्पू करते हैं वैसे भी शैम्पू कर सकते हैं। तो इसकी अप्लाई करने का प्रोसेस जैसे मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल आपको ऑयल जैसे आप ऑयलिंग करते हो नॉर्मल वैसे ही इसको इसमें अप्लाई करना है। ये वायल है, इसको ओपन करेंगे इस तरीके से और ये है इसका एप्लीकेटर, ये इसके साथ अटैच कर देंगे। ये हो गया इस तरीके से, ये बन जाएगा और इसको आपको ऐसे इस तरह से पार्टीशन कर करके पूरे उस पर अप्लाई कर लेना है और जेंटल मसाज देना है। जैसे मैंने हेयर स्पा में भी आपको कई बार बताया है कि आपको ये अराउंड 2-3 मिनट्स में आपके हेयर रूट्स जो होते हैं ना उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और अपना काम ये शुरू कर देगा। आप इसे अप्लाई कीजिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिनको सीरियस हेयर फॉल हो रहा है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मिरेकल है उनके लिए, उनको ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आप अपने आप भी देखेंगे। अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इसका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, आप इसमें देखिए किस तरह से आपको ये अप्लाई करना है। तो जैसा आप
देख रहे हैं वीडियो में, इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन करते जाना, पार्टीशन करते जाना है, और एप्लीकेटर से आपको ये पूरा सीरम इस तरह से स्कैल्प पे रूट पे अप्लाई करना है। इस तरह से देखिए आप, छोटे छोटे आपको इस तरह से पार्टीशन करते रहना है, और इस लिक्विड को जहाँ तक है हेयर के रूट्स पे अप्लाई करना है। ये आपके हेयर्स के रूट्स को एक्टिव कर देगा, और जहाँ जहाँ भी हेयर फॉल है उसको रोक भी देगा, और हेयर्स के न्यू ग्रोथ भी इससे होंगे। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोसेस है आप कम्प्लीटली इस वीडियो में देख रहे हैं। छोटे छोटे सेक्शन करते जाना है, और एप्लीकेटर से स्कैल्प पे अप्लाई करके जेंटल मसाज देना है। जब आप अप्लाई करें उसके बाद आपको अराउंड 5 to 10 minutes मसाज देनी है। इससे क्या होगा, ये जो लिक्विड है ये कम्प्लीटली आपके हेयर रूट्स पे चली जाएगी और अपना काम ये स्टार्ट कर देगी। क्राउन एरिया पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ तक है हेयर फॉल सबसे ज़्यादा क्राउन एरिया पे जाता है। तो जब भी आप क्राउन एरिया पे करें वहाँ पे अच्छे से अप्लाई कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं पे, जैसा मैंने आपको बता भी दिया, सबसे ज़्यादा हेयर फॉल इसी एरिया से होता है, और ड्राइनेस भी हेयर स्कैल्प में इसी जगह पे होती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और ऐसे छोटे छोटे सेक्शन करते जाना है, और पूरे लिक्विड को अप्लाई करना है। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्टीन्यूस आपको 3 to 4 weeks तक अप्लाई करना है। अगर आप इसे डेली नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो हफ्ते में 3 बार तो इसको अप्लाई करना है आपको, और हेड वॉश ऐसा कंपल्सर नहीं है। जैसे आप हेड वॉश करते हैं वीक में 2 3 बार, उस तरह से आप करिए। तो ये पीछे के सेक्शंस हो रहे हैं, और बैक साइड एरिया में पूरा लिक्विड अप्लाई हो रहा है जैसा आप देख रहे हैं, और इसके बाद जेंटल मसाज देनी है आपको, क्योंकि जो भी लिक्विड है वो आपके हेयर रूट्स में जाना मस्ट है। हाँ, अगर आपको डैंड्रफ है तो उसके लिए आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट लीजिए। अगर हेयर फॉल का कारण कुछ और है उसके लिए ये है, और शैम्पू आप बायोलॉज का भी ले सकते हैं या नॉर्मल जो भी आप शैम्पू कर रहे हैं, अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो वो भी शैम्पू आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से पूरा लिक्विड अप्लाई कर रही हैं जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में। गाइज, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि नए नए टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँ, जितनी भी क्वायरीज हो आपकी फुलफ़िल हो। इसके बाद भी अगर कुछ आपको रह जाता है कि मैम ये नहीं पता चला, उसके लिए आप मेरे को कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाने की। देखिए मसाज हो रहा है, जब मसाज करेंगे वो सर्कुलर मोशन में, बहुत जेंटल मसाज करना है, इतना ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करना है। पूरे फ्रंट एंड बैक साइड में आपको रोटेटिंग मोशन में इस तरीके से आपको मसाज करना है। ओवरनाइट करें तो इसका बेस्ट रिजल्ट है, आप रात को अप्लाई कर लीजिए, मॉर्निंग में हेड वॉश कर लीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं, जो हेयर फॉल हो रहा है जिनके, जिनको ऐसे लग रहा है कि मेरे हेयर फॉल ज़्यादा हैं, उनके लिए बेस्ट है। आप सलोन में भी करवा सकते हैं और घर पे भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। तो इस तरह से 5 to 10 minutes तक आपको मसाज देना है, और मॉर्निंग में आप हेड वॉश कर लीजिए।
एक पैकेट में अराउंड 10 वॉयल्स आते हैं, वो कई बार होता है कि डिपेंड करता है आपका एरिया के हिसाब से कितने हेयर्स हैं। ये 10 वॉयल आप, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि एक बार में एक वॉयल पूरा लगा लेना है, जितना आपका यूज़ हो उतना यूज़ कीजिए, उसके बाद उसको वैसे ही वॉयल को क्लोज करके आप पैकेट में रख लीजिए, नेक्स्ट डे उसको फिर से यूज़ कर लीजिए। ऐसा नहीं कि उसको एक बार में पूरा का पूरा आपको हेयर्स पे लगाना ही है। तो इस तरह से मेरा ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये मसाज कर रहे हैं जेंटल। तो जैसा आपने प्रोसेस में देखा कि किस तरह से आपको ये वायल्स लगानी है, इस तरह से आपको ये एक एक वायल हर एक नाइट में लगाना है। अराउंड 3 to 4 वीक्स तक आपको ये कॉन्टिन्यूस लगाना है, जिससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप परेशान हैं हेयर फॉल से तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत यूज़फुल चीज़ है आपके लिए, बहुत अच्छा है। और प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर इसका बेस्ट रिजल्ट भी चाह रहे तो बायोलॉज का शैम्पू और कंडीशनर आता है, मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेस कर लीजिए। इसके बाद जब भी आप शैम्पू करते हैं, मैट्रिक्स बायोलॉज करके शैम्पू कंडीशनर आता है, उसको यूज़ कीजिए। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके बाद आपको नेक्स्ट डे ही शैम्पू करना है, आप ओवरनाइट बस इसको अप्लाई कीजिए और शैम्पू टाइम टू टाइम करते रहिए, जैसा आप रूटीन में करते हैं, हफ्ते में 2 बार या 3 बार जैसे शैम्पू करते हैं वैसे कर सकते हैं। अच्छा है हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए, मैं खुद अप्लाई करवाती हूँ क्योंकि मेरा भी हेयर फॉल हो रहा है और रिजल्ट बहुत अच्छा है, यूज़ कीजिए। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही फॉलो करते रहिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। गाइस, आज मैं आपको एक स्ट्रेटनिंग क्रीम के बारे में बताऊंगी जो फ्रिजी और कर्ली हेयर्स के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये है स्ट्रिक्स का प्रोफेशनल कैनवोलाइन स्ट्रेटनिंग क्रीम, जिसमें कैरा शाइन कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है। तो अगर आप स्ट्रेटनिंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स से, तो एक बार इस क्रीम को ज़रूर जानें। कभी भी आप स्ट्रेटनिंग करते हैं, अगर आप क्रीम की क्वालिटी जानते हैं तो रिज़ल्ट आप वैसा ही दे पाएंगे। तो ये है मेरे पास स्ट्रिक्स की कैनवोलाइन स्ट्रेटनिंग क्रीम, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप ये स्ट्रेटनिंग में यूज़ करते हैं तो एक एक्स्ट्रा शाइन आ जाता है। इसमें इन्होंने 2 प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, पहली है इनकी इंटेंस एंड सेकंड है माइल्ड। अब आप कभी कभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम इंटेंस एंड माइल्ड का मीनिंग क्या है, तो सबसे आसान तरीका है, इंटेंस अगर आपके हेयर्स ज़्यादा फ्रिजी और डैमेज हैं तो इंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, और माइल्ड उन हेयर्स के लिए है जिनमें फ्रिजीनेस या कर्ली हेयर कम है। माइल्ड मतलब नॉर्मल और इंटेंस मीन्स थोड़ा सा उसमें जो फर्स्ट क्रीम होगी स्ट्रेटनिंग की पावर उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ये अगर आपको परचेज़ करनी है क्रीम, तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगल और मल्टीपर्पज़ यूज़ के दोनों प्रोडक्ट हैं। आप सिंगल यूज़ के लिए ये छोटा वाला यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एक सिंगल यूज़ के लिए परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप मल्टी यूज़ में हैं, सैलून लाइन में हैं, तो आप सैलून के लिए आप ये बड़े जो इनके पैकिंग है वो यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को जब मैंने यूज़ किया था तो मुझे केवल एक डिफरेंस ज़्यादा अच्छा लगा कि इसमें जो इनकी जो फर्स्ट क्रीम है उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब और प्रोडक्ट में भी फर्स्ट क्रीम की जो क्वालिटी होती है थिकेंड होते हैं, लेकिन इसकी कुछ ज़्यादा ही थी। उसका मेन पर्पस यही था कि जो इनका ये प्रोडक्ट है ये सबसे पहले आपके हेयर, क्योंकि ये कैरा कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है, तो ये क्या करता है आपके जो हेयर्स होंगी उनके हेयर शेफ्ट पे पहले रिपेयरिंग का काम करता है, जस्ट लाइक दैट एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स देने का काम करता है,
और उसके बाद ये एक्स्ट्रा शाइन इंट्रोड्यूस करता है आपके हेयर्स में, इंस्टेड ऑफ स्ट्रेटनिंग। आप स्ट्रेटनिंग के साथ साथ इसमें रिपेयरिंग और एक बहुत अच्छा शाइन पाएंगे अगर आप इस क्रीम को स्ट्रेटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जब मैंने इसका यूज़ किया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इनका। और इसकी जो ट्यूटोरियल है कंप्लीट स्ट्रेटनिंग की, मेरी अपकमिंग वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने इनका स्ट्रेटनिंग कैसे किया था। काफ़ी फ्रिजी और कर्ली हेयर्स थे इनके, हाँ ये वर्जिन हेयर थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन हाँ रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा आपके साथ एक बार शेयर ज़रूर किया जाए। तो मैंने जब इसको परचेज़ किया था तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, इसकी MRP 1510 रुपये थी, जो कि अराउंड 11% के डिस्काउंट के साथ मुझे 1340 रुपये का मिला था। और इसके सिंगल प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, अगर आप सिंगल यूज़ के लिए चाह रहे हैं, घर पे अपने आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आगे मैं इसकी ट्यूटोरियल कंप्लीट डालूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस टाइप से मैंने इनकी स्ट्रेटनिंग की थी। जब तक आप प्रोडक्ट परचेज़ कीजिए और प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज अपने पास रखिए। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। तो ये है आपको स्टिक्स के बारे में, इसकी स्ट्रेटनिंग क्रीम के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल, जिसमें आप जान पाए हैं कि स्ट्रेटनिंग क्रीम है क्या और क्या इंग्रेडिएंट है इसमें, कैरा शाइन इफ़ेक्ट है इसके अंदर, तो जिसमें आपके हेयर्स में ये एक्स्ट्रा शाइन इंट्रोड्यूस कर देगा। और रिज़ल्ट आप जैसा देख ही रहे हैं मेरे इस वीडियो में कि कितना अच्छा स्ट्रेटनिंग के साथ साथ एक बहुत अच्छा शाइन दे दिया था इस प्रोडक्ट ने। तो आप इसे बेहिचक अपने आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। केवल आप प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, स्ट्रेटनिंग कीजिए, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है इसका, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लेंथ थी इनकी, तो इसका जो आप चार्ज है अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, 3000 से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए रिज़ल्ट कितना अच्छा है। जब तक आप मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। इस तरह से देखिए आप प्रेसिंग कंप्लीट कर देनी है आपको। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, बड़ी आराम से आप अपने आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, कोई इतना ट्रिकी फील वो नहीं है, आप बड़े आराम से अपने आप भी कर सकते हैं। बस ख्याल रखना होता है कि कौन सी क्रीम कैसे काम करती है और कितना हमें प्रेसिंग करनी है, किस टेम्परेचर तक काम करना है। ये छोटी छोटी बातों का आप ख्याल रखेंगे तो कोई भी प्रोसेस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखिए जो प्रेसिंग, जो हमारी सेकंड प्रेसिंग होती है, आप उसके बाद क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि मैम आपका जो रिज़ल्ट होगा वो यही फाइनल रिज़ल्ट है, क्योंकि जो हमारी जो सेकंड क्रीम है वो नरिशमेंट और जो हम प्रेसिंग का रिज़ल्ट देते हैं उसी को ही न्यूट्रलाइज करके फाइनल लुक दे देता है। तो प्रेसिंग पे हमेशा ध्यान रखें, इस चीज़ के लिए आप बहुत अच्छी प्रेसिंग, आइकॉनिक की अच्छी है, एक्टर की भी अच्छी है प्रेसिंग मशीन, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये सेकंड क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, सॉसकॉफ का ही सेकंड क्रीम है जिसके ऊपर N लिखा हुआ होता है। आपको क्रीम परचेज़ करनी है तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से
आगे कमिंग वीडियोस में मैं आपको स्टिक्स की स्मूदनिंग प्रोसेस भी बताऊंगी कि अगर आप स्टिक्स कंपनीज की स्मूदनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या क्या ये प्रोडक्ट हैं और किस तरह से आप स्मूदनिंग कर सकते हैं, और इसका रिज़ल्ट आप देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने लॉरियल, मैट्रिक्स, सॉसकॉफ कंपनियों के स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग प्रोसेस कंप्लीट ट्यूटोरियल डाली हुई है मेरी। अगर आपको वीडियो सही लगती हैं, पीछे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, सारा ट्यूटोरियल मैंने डाल दिया है। लॉन्ग हेयर्स पे सॉसकॉफ का बनाया था, तो ये सॉसकॉफ का मैंने डाल दिया है, और अदर टाइप्स के हेयर्स के लिए आप मेरे पीछे वीडियोज़ देख सकते हैं। हमेशा क्रीम एप्लीकेशन में आप केवल इमल्सिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, जितना अच्छा इमल्सिफिकेशन होता है, क्योंकि क्रीम क्यूटिकल पे काम करती है, हेयर्स की जो क्यूटिकल लेयर होती है उस पे काम करती है। अच्छी इमल्सिफिकेशन से क्यूटिकल शाइनी और अच्छी स्ट्रेट हो जाती है, तो इस पे हमेशा ख्याल रखें। कैरेटीन की भी ट्यूटोरियल मैंने डाल रखी है अपने वीडियोस में, आप देख सकते हैं कैरेटीन ट्रीटमेंट होती क्या है और क्यों लेते हैं, किस टाइप के हेयर्स पे लेते हैं, आप इसकी ट्यूटोरियल मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। और कभी भी स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग आप करते हैं तो कस्टमर्स को उनके हेयर्स के टाइप्स के हिसाब से ही आप उनको होम केयर प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये प्रोसेस करने के बाद शैम्पू, कंडीशनर एंड मास्क तीनों चेंज हो जाते हैं। जिस कंपनी का आप स्मूदनिंग कीजिए उसी कंपनी के होम केयर्स आप कस्टमर्स को सजेस्ट कीजिए, ताकि उनके हेयर्स अच्छे रहें, फ्रिजी ना हो। और हेयर स्पा का भी सजेशन आप ज़रूर दीजिए कि मैम एटलीस्ट 15 डेज़ में तो आप हेयर स्पा लीजिए। 15 डेज़ में नहीं होता तो पर मंथ तो आप हेयर स्पा लेना ही लेना है, ताकि उनको नरिशमेंट मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। गाइस, मैं आज आपको स्मूदनिंग की कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगी कि किस तरीके से आप लॉन्ग हेयर्स पे स्मूदनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप जैसे इनका हेयर्स देख रहे हैं, कितनी फ्रिजी और कर्ली हेयर्स हैं, तो सबसे पहले हम इनकी प्रेसिंग कर रहे हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो मेरे, कंप्लीट प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग के बाद जो मैंने हमेशा आपको बताया है कि सॉसकॉफ का मैं इसमें स्मूदनिंग कर रही हूँ, तो सॉसकॉफ का 0 नंबर का क्रीम सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हेयर्स को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए, देन आफ्टर पतले पतले सेक्शन लेके हमें पूरे हेयर्स पे क्रीम को अप्लाई करना है। जैसा कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको हमेशा बताया है कि क्रीम की जो एप्लीकेशन है रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको अराउंड 2 सेंटीमीटर छोड़ के ही क्रीम को अप्लाई करनी है। तो आप जैसा देख रहे हैं, सेक्शन बाय सेक्शन पहले मैंने राइट हैंड साइड पे क्रीम अप्लाई किया है, और इसके बाद मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्रीम टोटली अप्लाई करूँगी। कभी भी आप जो फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं तो इसके इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में हमेशा ध्यान रखें, जितनी अच्छी आप क्रीम को एप्लीकेशन करेंगे, कभी भी ऐसा ना सोचें कि क्रीम कम हो रहा है, थोड़ा कम अप्लाई करें। जितनी अच्छी आप क्रीम के एप्लीकेशन करेंगे उतना अच्छा ही आपके स्मूदनिंग का रिज़ल्ट रहेगा।
इनके फाइनल टच आप देखिए, अब कितने अच्छे बाल इनके हो गए थे। लॉन्ग हेयर्स जो होते हैं थोड़ा सा उसमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो भी थोड़ा लेंदी है, इसके रिज़ल्ट के लिए आप लास्ट तक देखिए वीडियोस, और इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने बताए हैं कि आफ्टर द स्मूदनिंग या रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग प्रोसेस के बाद आप किस तरह से अपने हेयर्स को केयर कर सकते हैं। तो जैसा आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, मैं कितना अच्छा इमल्सिफिकेशन कर रही हूँ, इसी पे ही हमारा रिज़ल्ट बेस्ड करता है। मैंने स्मूदनिंग और रिबॉन्डिंग के बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेयर टेक्सचर्स एंड टाइप्स के हेयर्स पे मैंने स्मूदनिंग प्रोसेस बताया है, आप मेरे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने अलग अलग कंपनीज की भी स्मूदनिंग बताई हुई है, रिबॉन्डिंग भी बताई हुई है। ये लॉन्ग हेयर्स पे हैं, इसकी ट्यूटोरियल आप कंप्लीट वीडियोज़ में देख रहे हैं। हमेशा मैंने ये भी बताया है कि जब भी आप प्रोसेस करते हैं, जो फर्स्ट क्रीम है उसकी एप्लीकेशन जो टाइम होता है 40 to 45 minutes होता है इन वर्जिन एयर। तो इनके वर्जिन एयर हैं तो मैं 40 to 45 minutes तक स्टे करूँगी, और बीच बीच में जो है हेयर्स की बॉन्ड चेकिंग बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसे ना सोचें कि आफ्टर द 45 minutes ही हमें बॉन्ड चेक करना है। जब आप क्रीम अप्लाई कर लेते हैं उसके आफ्टर 10 minutes बाद ही आपको हेयर्स की बॉन्ड चेकिंग स्टार्ट कर देनी है। ऐसा ना सोचें कि 40 मिनट तक स्टे करें, क्योंकि ये डिपेंड करता है हेयर टेक्सचर्स पे और किस टाइप के हेयर्स हैं। कई बार होता है कि रिबॉन्डिंग जो बॉन्ड का टूटना होता है वो पहले भी हो जाता है, तो इसका हमेशा ख्याल रखें, बॉन्ड चेकिंग करते रहें। ये क्रीम अप्लाई करके मैंने अराउंड 35 मिनट्स इनका स्टे किया था, क्योंकि इनके हेयर्स पे इन्होंने कभी हीना भी अप्लाई किया था, बट ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया था तो ज़्यादा हीना की क्वांटिटी नहीं थी, वो हट गया था। जब भी आप क्रीम अप्लाई करते हैं तो हमेशा ख्याल रखें कि जो क्रीम है ओवरऑल सारे हेयर्स पे अप्लाई हो जाना चाहिए, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। ये क्रीम मैं अप्लाई कर रही हूँ, साथ साथ कॉम कर दे रही हूँ ताकि हेयर्स में टैंगल्स ना रहें। एक और ख्याल रखें, अगर आप रिबॉन्डिंग करते हैं तो हमेशा दो लोग अगर मिलके करते हैं, क्योंकि मेरे तो आराम से हो जाता है, मुझे आदत है करने की, लेकिन अगर ये प्रोसेस दो जने मिलके करेंगे तो क्रीम की जो एप्लीकेशन है वो जल्दी हो जाती है और प्रोसेस भी शॉर्ट टाइम में हो जाता है। तो हो सके तो आप दो जने मिलके रिबॉन्डिंग या स्मूदनिंग प्रोसेस करिए। क्रीम के एप्लीकेशन के बाद जो मैंने बॉन्ड चेकिंग का प्रोसेस है, हमेशा मैं अपने वीडियोस में बताती रहती हूँ कि आपको सिंगल सिंगल हेयर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के में उठाने हैं और स्ट्रेच करके देखना है। अगर हेयर्स रबर की तरह स्ट्रेच हो के और कर्ली हो जा रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड टूट चुका है, आपका रिबॉन्डिंग या स्मूदनिंग प्रोसेस वहाँ हो चुका है, उसके बाद आप हेड वॉश कर ले सकते हैं। और अगर आप हेयर्स को स्ट्रेच कीजिए और रबर की तरह स्ट्रेच हो रहा है और अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ जा रहा है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड अभी नहीं टूटी हुई है, थोड़ा सा उसमें आप वेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन थोड़ा सा ये प्रोसेस लेंदी होगा, लेकिन कंप्लीट ट्यूटोरियल के लिए आप अगर बिगनर्स हैं तो, अगर आप कुछ भी क्वायरीज है तो अगर आप प्रोसेस पूरा देखेंगे तो कंप्लीट समझ में आएगा कि लंबे बालों पे आप स्मूदनिंग किस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं।
हमेशा मैंने बताया भी है कि फोर सेक्शन में काम करते हैं और फ्रंट के हेयर्स में फ्रंट साइड रखती हूँ और बैक के हेयर्स में बैक में रखती हूँ, बट ये हेयर्स बहुत लॉन्ग है तो मैं सारे हेयर्स को बैक साइड ही ले जाऊँगी ताकि उनमें कोई मोड़ ना आए। इसके लिए मैं सारे हेयर्स को बैक साइड ही ले जाऊँगी क्रीम के एप्लीकेशन में। आप मेरे दोनों उसमें देखेंगे तो डिफरेंस यही नज़र आएगा। आगे के पीछे जो मैंने ट्यूटोरियल बताया उसमें फोर पार्टिंग में काम किया हुआ है, इसमें मैं सारे हेयर्स को बैक साइड ले जा रही हूँ ताकि उनमें कोई मोड़ ना आए। आप जैसे हेयर्स की हैंडलिंग करेंगे रिज़ल्ट वैसा ही मिलता है। तो ये क्रीम की पूरी एप्लीकेशन हो गई है और इसके बाद हम मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि अराउंड 35 मिनट्स मैंने वेट किया था, उसके बाद बॉन चेकिंग किया और बॉन चेकिंग के बाद हेड वॉश कर देनी है। इस क्रीम जो फर्स्ट क्रीम होती है इसकी एप्लीकेशन के बाद हेयर्स थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, इसलिए जब आप हेड वॉश करते हैं आप मास्क ज़रूर अप्लाई करें जिससे इसमें मॉइस्चर आ जाता है और ड्राइनेस हेयर्स की हट जाती है। तो हेड वॉश के टाइम मास्क अप्लाई करके अराउंड 5 to 10 मिनट स्टे करना है और उसके बाद फाइनली रिंस कर देना है। फ्रेंड्स आपको कहीं पे भी कोई भी क्वायरीज हो आप बेझिझक मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्रीम के एप्लीकेशन में इमल्सिफिकेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से पूरा क्रीम अप्लाई हो चुका है और आप देखेंगे कि इसके बाद हेड वॉश होगा इनका। कई बार कस्टमर पूछते हैं कि मैम रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग में कितना घंटा लग जाता है, वो डिपेंड करता है आप कितने लोग हैंडल करते हो काम को। सिंगल पर्सन अगर इसी काम को करता है तो अराउंड 3 to 4 आवर्स तो मिनिमम लग ही जाता है इस प्रोसेस में, क्योंकि क्रीम तो अपना पूरा टाइम लेती ही है। इनके हेयर्स काफ़ी कर्ली थे तो इस तरीके से देखिए पूरी क्रीम अप्लाई हो गई है और इसके बाद बॉन चेकिंग होगी और हेड वॉश हम कर देंगे। इसकी प्रोसेस बता दिया मैंने कि अराउंड 35 मिनट्स बाद मैंने इनका बॉन चेकिंग के बाद हेड वॉश किया था। तो ये इनका हेड वॉश हो रहा है। हेड वॉश के बाद ब्लो ड्राइंग करना है आपको। ब्लो ड्राइंग 50 to 60% करने के बाद आपको हेयर सीरम अप्लाई करके ही आप ब्लो ड्राइंग करें जिससे आपके बाल हेयर्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। ब्लो ड्राइंग के लिए मैंने VNG का ही ड्रायर यूज़ किया है जिसका टेम्परेचर 2000 वॉट है। जब आप फर्स्ट क्रीम अप्लाई करते हैं हेयर्स पे तो हेयर्स स्ट्रेट तो हो जाते हैं लेकिन हल्के से ड्राइनेस रहती है उनमें। जो सेकंड हमारा क्रीम होता है न्यूट्रलाइज़र, वो जो बॉन्ड हमारे टूट जाते हैं एक तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने का काम करता है, दूसरा उसको नरिशमेंट और शाइन देने का भी काम वही क्रीम करती है। और फर्स्ट क्रीम और सेकंड क्रीम में डिफरेंस इतना है, फर्स्ट क्रीम जो लेंगे वो थोड़ी सी थिक होती है, सेकंड क्रीम लाइट होती है। उसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत
लाइट रहती है और बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाती है। अब इसके बाद जो प्रेसिंग होगी वो बहुत अच्छी प्रेसिंग आपको करनी है। प्रेसिंग के लिए मैंने आइकॉनिक की प्रेसिंग मशीन यूज़ की है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से पूरे हेयर्स को बड़े पतले पतले सेक्शन में लेके आपको प्रेसिंग करनी है। जिस तरह से आप प्रेसिंग करेंगे, जितनी अच्छी आप प्रेसिंग करेंगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट हमारी स्मूदनिंग का आता है। बड़े हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं, तो इसमें आप ध्यान रखिए, प्रेसिंग मशीन को एकदम रनिंग वे में चलाना है, रोक रोक के बिल्कुल नहीं चलाना है, नहीं तो हेयर्स डैमेज होने के चांस होते हैं। और अराउंड 3 to 4 टाइम्स तो आपको एक एक सेक्शन में प्रेसिंग करना ही है। प्रेसिंग करने के बाद, जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि आपको न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करना है पूरे हेयर्स में, और न्यूट्रलाइज़र इस तरह से ये कंप्लीट होने वाला है। सेकेंड क्रीम का एप्लीकेशन, इसको अप्लाई करने के बाद आपको 30 मिनट स्टे करना है, और उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर, जैसे कि सर्दियों का सीज़न है तो पानी बहुत ठंडा होता है, तो आपको टेम्परेचर कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर रखना है वाटर का, और हेड वॉश कर देना है। हेयर्स का रिज़ल्ट आप फाइनल देखेंगे कि कितने कर्ली हेयर्स के बाद ये हेयर्स एकदम स्ट्रेट और शाइनिंग स्मूथ हो जाते हैं। इनका हेड वॉश हो रहा है। वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसके लिए हम थोड़े से शॉर्ट शॉर्ट पार्ट, एकदम छोटे छोटे क्लिप्स डालते हैं। हेड वॉश के बाद आपको हेयर्स ड्राई करना है। ड्रायर के लिए आप इस टाइम पे जो टेम्परेचर रखेंगे, नॉर्मल हीट टेम्परेचर रखेंगे, ज़्यादा हीट पे आपको ड्राई नहीं करना है, नहीं तो जितनी भी आपकी इसके अंदर हेयर्स की मॉइस्चर होती है हट जाती है। इसलिए इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रख के आप अपनी स्मूदिंग प्रोसेस कम्प्लीट कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माही मेकओवर्स। गाइस, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एक हेयर सीरम जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और अक्सर मैं अपने जो स्मूदिंग, रिबॉन्डिंग या कैरेटिन ट्रीटमेंट वगैरह करती हूँ हेयर्स के, इन बिटवीन मैं ये हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं लॉरियल, मैट्रिक्स और स्ट्रिक्स तीनों कंपनीज की हेयर सीरम यूज़ करती हूँ,
लेकिन एक अफोर्डेबल प्राइस में जो सबसे बेस्ट हेयर सीरम है उसके बारे में हमेशा आज आपके पास साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये है स्ट्रिक्स का प्रोफेशनल हेयर सीरम। अब ये हेयर सीरम है, इसमें क्या है, एनरिच विद मैकेडेमिया ऑयल एंड विटामिन ई। ये हेयर सीरम, पहली बात तो इसकी आप विजिबिलिटी देखेंगे कि इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। इसमें दो तरह के हैं, एक तो इसमें येलो पैकिंग आएगी, वो ओनली स्ट्रिक्स सीरम है, और ये स्ट्रिक्स प्रो प्रोफेशनल हेयर सीरम है। दोनों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको ये परचेज करनी होगी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आपने मेरे केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस देखा है, अक्सर मैं जब ट्रीटमेंट करती हूँ इन बिटवीन मैंने प्रोसेस ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। तो आज मैं इसका पर्पज़ ज़रूर आपको बताऊँगी कि हेयर सीरम इन बिटवीन हम प्रोसेस के बीच में क्यों यूज़ करते हैं, और अगर आप डेली रूटीन में अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं तो ये बड़े आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा है और होम केयर में हम इसको एडवाइस ज़रूर करते हैं। रिसेंटली मैंने स्ट्रिक्स का रिबॉन्डिंग या स्मूदनिंग का प्रोसेस बताया है आपको, उस जब मैं उसका प्रोसेस कर रही थी तो सारे प्रोडक्ट मैंने स्ट्रिक्स के ही यूज़ किए थे और हेयर सीरम यही यूज़ किया था। तो इसकी खासियत क्या है, मैं आज आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगी। तो मेरे वीडियोस को एंड तक देखिए, और अगर आपको ये लेना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये है स्ट्रिक्स का हेयर सीरम, पैकिंग कुछ इस तरीके की है, और इसकी जो MRP है वो है 210। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं या आप इसको नॉर्मल जनरल स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करेंगे तो कुछ इस पर डिस्काउंट 10-15% मिल जाएगा। तो अगर आप इसको अमेजन से परचेज करेंगे तो अभी इसका जो प्राइस है 189 रुपीज़ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और पैकिंग कुछ इस तरीके की है, ये ग्रीन कलर की बॉटल, बहुत ही प्यारी बॉटल्स है। और देखिए मैंने कितना इसको यूज़ कर लिया है, काफ़ी पुराना है मेरा ये, और इसका इतनी क्वांटिटी अब बच गई है। और मेन खास यह है कि इसकी पंपिंग नोज़ल देखिए आप, थोड़ी सी क्वांटिटी जिस हिसाब से आपके हेयर से उतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं और अपने हेयर्स पे लगाइए। मेन इसका पर्पस क्या है हेयर सीरम का, हेयर सीरम क्या करता है, आपके हेयर्स के जो आप जब आप हेड वॉश करते हैं उसके बाद जब आप थोड़ा सा वेट हो जाए 20-30%, अगर आप इसको हेयर सीरम को अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर से जो टैंगल्स है वो बहुत जल्दी रिमूव्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो हेयर्स में शाइन, ये एक्स्ट्रा शाइन प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं या अदर केमिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इन बिटवीन हम इसको इंक्लूड करते हैं, ताकि हेयर अगर प्रेसिंग कर रहे हैं तो डैमेज होने से बच जाए, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है शाइनी हेयर इनकी इसकी वजह से मिल जाता है। तो ये बहुत यूज़फुल है नॉर्मल लाइफ में, और मैं अक्सर प्रोसेस करती हूँ तो उसमें यूज़ भी करती हूँ। ये है स्ट्रिक्स का। इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, आप नॉर्मल डेली रूटीन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आपको इस पंप से निकालना है थोड़ा सा हेयर सीरम, देखिए इतनी सी क्वांटिटी, इतनी सी आपको एक अराउंड 1 पंप ले लेना है, और इसको अपने हैंड्स पे इस तरीके से थोड़ा सा मर्ज करना है, और उसके बाद आपको इस हेयर्स पे, पूरे हेयर्स पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है। वेट हेयर्स पे अप्लाई करिए, ड्राई हेयर्स पे अप्लाई कीजिए, किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बस स्कैल्प में इस सीरम को आप अप्लाई नहीं करेंगे। स्कैल्प में क्या होता है, केमिकल अप्लाई करने से आपके हेयर रूट्स डैमेज हो सकते हैं, ड्राई हो सकते हैं, इसलिए कोई भी केमिकल आप अप्लाई कीजिए। हमेशा मैं कोई भी प्रोसेस करती हूँ उसमें आपको बताती भी हूँ कि आपको स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करके और नॉर्मल आप कॉम कर लीजिए, इससे क्या होगा हेयर शाइनी हो जाएंगे और जितने भी टैंगल है बड़े आराम से रिमूव्ड हो जाएंगे। डेली रूटीन में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी मैं प्रोसेस करती हूँ उसमें तो मैं आपको इन बिटवीन बताती हूँ कि जब मैं फर्स्ट क्रीम अप्लाई करती हूँ उसके बाद उसको जब मैं रिमूव करती हूँ और प्रेसिंग से पहले मैं इसको ज़रूर अप्लाई करती हूँ हेयर सीरम। जिस कंपनी के मैं हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ, प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वही हेयर सीरम भी यूज़ करती हूँ, और प्रोसेस ऑलरेडी मैं डालती रहती हूँ। आपको अगर और मेरे केमिकल ट्रीटमेंट के वीडियोस देखने हैं तो आप ऑलरेडी
मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने सारे क्राइटेरियाज बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सीरम बहुत अफोर्डेबल है, आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है। और समझने के लिए आप मेरे केमिकल प्रोसेस देख सकते हैं, तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए कितनी क्वांटिटी रह गई है अभी फ़िलहाल, ओवरऑल ये एक तरीके से ख़त्म ही हो गई है। तो आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं और होम केयर की तरह रखिए, अपने पास रखिए, हमेशा रखिए। कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं भी हेड वॉश अगर आपने किया किसी भी ओकेजन में, आप इसको बेफिक्र यूज़ कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो ये बात हुई मेरी स्ट्रिक्स की हेयर सीरम की, रिज़ल्ट अच्छा है, आप इसको यूज़ कीजिए। और अगर आपको ये परचेज़ करनी है तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कीजिए। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।